इब्ने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों आज मेरा टॉपिक है व्हेन द अर्थ शो। बच्चों एक चैप्टर नंबर 12 है EVS 5th प्राइमरी का। बच्चों मैं आपको इसमें इस टॉपिक में एक बच्ची जो है जस्मा उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो कुछ एरिया गुजरात में रहती थी। वो कहती है कि आई एम जस्मा, आई लिव इन कोच एरिया गुजरात। आई वाज 11 इयर्स ओल्ड व्हेन देयर वाज एन अर्थक्वेक। ये कहती है कि मैं कोच एरिया गुजरात में रहती हूँ, तो मैं उस टाइम 11 इयर्स ओल्ड, मैं 11 साल की थी जब गुजरात में अर्थक्वेक आई, यानी गुजरात में जलजला आया। इट वाज 26 जनवरी 2001। ये 26 जनवरी 2001 की बात है जब गुजरात में जलजला आया। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी। यानी उस टाइम बच्चे बूढ़े ये जमा हुए थे हमारे स्कूल के ग्राउंड में एक परेड देखने टीवी पे। तो फिर क्या हुआ, सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग, और अचानक ही ये ज़मीन हिलने लगी। पीपल वायर सिकर्ड एंड स्टार्ट टू रनिंग हियर एंड देयर। और क्या हो गया, लोगों में डर पैदा हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। जब ज़मीन हिलने लगी तो लोग इधर उधर भागने लगे, डर पैदा हो गया लोगों में, ये क्या हो गया। अच्छा, नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है। एंड व्हाट टू डू, और क्या करें। देयर वाज अ टोटल पैनिक, घबराहट पैदा हो गई थी लोगों की, समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, अब हम क्या करें। तो सिर्फ लोगों में घबराहट परेशानी पैदा हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इन फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ऑल आवर थिंग्स क्लोथ्स पॉट्स ग्रेन एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस। क्या हो गया कि जस्मा कहती है कि कुछ ही मिनटों में हमारे जो ये फ्लैट्स थे, बड़े बड़े मकान थे, फ्लैट थे, और ये ज़मीन के ऊपर गिर के बिल्कुल प्लेन हो गई। और जो हमारे क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े थे, जो हमारे बर्तन थे, जो हमारी ग्रेन थी, चावल थे, रोटी थी, दाल थी, खाने पीने का जो सामान था, पूरे का पूरा क्या हो गया, मलबे के नीचे आ गया। इन मकानों के, इन पत्थरों के, ज़मीन पे जो ये गिरे पत्थर गिरे, ये मार्ड, ये वुड लकड़ी वगैरह सब, जो इतना भी है उस मकानों का ये मलबा गिरा, उस इस मलबे के नीचे आ गए। एट दैट टाइम एवरी वन थाट ऑफ टू थिंग्स, उस टाइम सिर्फ लोग दो ही चीज़ें सोचते थे, दो बातें उनके जहन में थी, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड अंडर एंड टू ट्रीट द इंजर्ड। और जो लोग इस मलबे में, जो इस मलबे में फंसे हुए थे उनको बचाना, और जो ज़ख्मी हुए थे उनका इलाज। सिर्फ लोग यही सोचते थे कि अब इनका जो फंस गए हैं उनको बचाया जाए, और जो ज़ख्मी हो गए उनको उनका इलाज किया जाए। यही दो चीज़ें उस टाइम लोगों के जहन में थी। बच्चों ये है बात 26 जनवरी 2001 की। बच्चों याद रखना कि गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूचाल आया था, जलजला आया था, ये उस टाइम की बात है जिससे गुजरात में बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम गुजरात में बहुत नुकसान हुआ जलजले से। द विलेज हॉस्पिटल्स वाज आल्सो डैमेज्ड, मेनी पीपल्स वर सीरियसली इंजर्ड। My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. तो बच्चों क्या हो गया कि जो इस गांव का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया, क्योंकि सारी बिल्डिंगें डैमेज हुई और वहां का
हॉस्पिटल भी डैमेज हो गए, मैनी पीपल इज वायर सीरियसली इंजर्ड, कुछ लोग सीरियस जिनको शदीद जख्में लगी थी। माई लेग आल्सो गॉट फ्रैक्चर, ये कहती है कि मेरी लेग में भी, मेरी टांग में फ्रैक्चर आया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, और लोगों गाँव के लोगों की मदद से डॉक्टर्स इनका ट्रीटमेंट करते थे।